नमस्कार दोस्तों, श्री राम सोलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस प्रोडक्ट का बारे में हम आपको बताएंगे वो है मैको का डिजिटल मल्टीमीटर। ये जो मल्टीमीटर है ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है और इसकी जो रेंज है, नॉर्मल जो हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर्स होते हैं या मल्टीमीटर होते हैं या क्लैंप मीटर होते हैं, उनसे ये काफ़ी एडवांस है। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लूम सोलर की वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से आसानी से इसे बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आपको क्लैंप मीटर देखने को मिलेगा और इसमें जो है काफ़ी सारे अच्छे फंक्शंस भी हैं, तो मैं आपको उन सब के बारे में बताऊंगा। देखिए, नॉर्मली सोलर पैनल का वोल्टेज और एम्पेयर निकालना सभी को आता है, चेक करना सभी को आता है, और मेरी कुछ पिछली वीडियोज है उसमें भी मैंने बताया है। तो मैं आपको आज इसके कुछ डिफरेंट जो इसके अंदर नॉर्मली जो दूसरे मल्टीमीटर्स में नहीं होता है उस चीज़ के बारे में बताऊंगा और इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का ये हमारा मल्टीमीटर है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काफ़ी हैंडी है, बहुत ही हैंडी है, आराम से आप इसको जेब में डाल सकते हैं, इतना हैंडी है और काफ़ी स्मूथ है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके साथ की जो वायर हैं आप वो देख सकते हैं, उन वायर्स की जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी के वायर हैं। नॉर्मली इतनी हाई क्वालिटी के वायर आते नहीं हैं, तो उस हिसाब से मुझे ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। तो कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। देखिए, इसमें जो सबसे फंक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये है ऑफ, ये है एनसीवी। एनसीवी के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ये है एम्पियर एसीडीसी, 600 एम्पियर एसीडीसी, यानी अगर 60 एम्पियर तक आपको चेक करना है तो यहाँ पर आपको करना होगा, और अगर 60 एम्पियर से ऊपर चेक करना है तो आपको ये करना होगा। जनरली सोलर में जो है यही यूज़ होता है और नॉर्मली ये आपको देखने को बहुत कम मिलता है, यानी ये 10 एम्पियर तक ही मिलता है, इसमें 60 और 600 एम्पियर तक है, इसीलिए जो है ये काफ़ी कॉस्टली भी है और हाई क्वालिटी का भी ये जो है आता है। सेम एज इट इज़ वोल्टेज में है, एसी डीसी दोनों है। ठीक है, काफ़ी इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी आसान है देखने में और यूज़ करने में। ये फ्रिक्वेंसी के लिए है और ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोल, यानी जो टेम्परेचर है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं, यानी आउटसाइड टेम्परेचर क्या हो रहा है या पानी का टेम्परेचर क्या है वो आप चेक कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं अभी इसमें दिखाऊंगा। ट्रू आरएमएस, तो ट्रू आरएमएस का मतलब, तो ट्रू आरएमएस यानी TRMS, ये जो है जो हाई क्वालिटी के जो मल्टीमीटर्स आते हैं उन्हीं में आता है। टू आरएमएस का मतलब है रूट मेन स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअल में ये ट्रू आरएमएस इसलिए दिया हुआ होता है क्योंकि ये जो नॉर्मल जो दूसरे मल्टीमीटर होते हैं उनसे काफ़ी एक्यूरेट जो है एसी करंट को मेजर करता है, इसीलिए जो हाई क्वालिटी के जो मल्टीमीटर हैं वो ट्रू आरएमएस के साथ आते हैं, इसलिए ये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है। ये यहाँ पर जो है एक स्क्रीन दी हुई है जिसपे हर तरह के पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, जैसे कि इसको आप 60 एम्पीयर करेंगे। ठीक है, तो होल्ड होल्ड का बटन इसलिए है कि जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई डिजिट होल्ड करनी है तो उसको दबाते ही वो डिजिट होल्ड हो जाएगी। और फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की जो है वो एसी डीसी में चेंज करने के लिए फंक्शंस दिया हुआ है, तो अभी मैं वो भी आपको करके बता दूंगा। जैसे कि मान लीजिए 600 एम्पियर है, या जैसे 600 एम्पियर है तो 600 एम्पियर में आप यहाँ देख सकते हैं, 600 एम्पियर में आप जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एसी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप फंक्शन दबाएंगे तो यहाँ पर डीसी लिखा हुआ जाएगा, यानी अगर डीसी आपको एम्पियर मेजर करना है तो डीसी, एसी आपको मेजर करना है तो एसी। उसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए आपको वोल्टेज करना है तो वोल्टेज में भी सेम है, जैसे डीसी वोल्टेज है उसी हिसाब से एसी वोल्टेज है, तो वोल्टेज भी आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। सोलर में ज़्यादातर डीसी वोल्टेज ही और डीसी एम्पियर ही चेक किए जाते हैं, तो ये आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, तो सोलर के तो आपको पता है पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव लगाना चाहिए, तो आप मेजर कर सकते हैं उससे, ज़्यादा उसमें वो कुछ नहीं है। रेड वाला हमेशा वोल्टेज में लगेगा और ये वाला हमेशा कॉमन में लगेगा, यानी अर्थ में, ये तो आपको मालूम है ही। क्लैंप मीटर का जो काम है वो आपको पता ही है, एम्पियर वगैरह इसमें चेक कर सकते हैं आराम से आप, करंट जो है कॉमन थिंग है, सब जानते हैं इसके बारे में। तो इसका जो फंक्शन है, जो सबसे खास फंक्शन है वो है एनसीवी और टेम्परेचर वाला। बाकी जो इसका जो रेंज है वो 60 एम्पेयर और 600 एम्पेयर तक है, जो नॉर्मली देखने को आपको नहीं मिलेगा।
तो जो इसमें एनसीवी दिया गया है, तो एनसीवी का मतलब होता है नॉन कॉन्टेक्ट वोल्टेज, यानी आपको किसी तरह के कोई कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये टीवी है, तो अगर आप टीवी में अगर ये हमें देखना है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप जैसे ही इसको इसके पास लेकर जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये काम करना चालू करता है। जैसे आप इसको दूर लेते हुए जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इससे हमें क्या है कि करंट का पता लग जाता है कि क्या ये लाइन फॉल्ट है या नहीं है। ये आप देख सकते हैं, जितना नज़दीक आप सॉकेट के पास लेके जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो है ब्लिंक करेगा। ये देखिए आप, सेम एज इट इज़। तो ये काम होता है एनसीवी का, तो काफ़ी इजी है। देखते हैं टेम्परेचर की, तो हम इसको टेम्परेचर पे सेट कर देंगे। टेम्परेचर के लिए दो ऑप्शन है, डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट। तो अभी जैसे मान लीजिए मेरे जो सिटी है वहाँ का टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसमें कोई तार वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है या कॉमन अर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप देख सकते हैं कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड अभी हमारे शहर में हो रहा है। इसी तरह से आप इसको चाहें तो फॉरेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं। तो फंक्शन दबाते ही ये फॉरेनहाइट में हो जाएगा। तो 69 फॉरेनहाइट अभी हमारा टेम्परेचर हो रहा है और डिग्री सेंटीग्रेड में 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये आपको समझ में आया होगा। मैको का काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने खुद यूज़ किया है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक में दे रखा है, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। बाकी अगर फिर भी अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। धन्यवाद।